गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ। कल हमने हिंदी में चैप्टर जो है दो अद्भुत हिरण पढ़ा। इसमें अब आगे हम इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जो काला हिरण है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। शिकारी जो है काले हिरण को ढूंढ रहे थे। शिकारी बड़ी बेचैनी से हिरणों की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी उन्हें हिरण आते हुए दिखाई दिए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। शिकारी जो थे झाड़ियों के पीछे छिप गए। हिरणों का झुंड नदी की ओर बढ़ा। काला हिरण झुंड के आगे आगे चल रहा था। काला हिरण क्या था? उनका सरदार था, तो वो सबसे आगे चल रहा था। शिकारी हिरणों को घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों के पीछे छिपते छिपते हिरणों के पीछे पहुंच गया। एक शिकारी जो है हिरणों के पीछे पहुंच गया और हवा में फायर किया। उन्होंने बंदूक से फायर किया। फायर की आवाज़ सुनते ही धीरे हिरण इधर उधर भागने लगे। इसी भागा दौड़ी में काला हिरण जाल में फंस गया। तो काला हिरण शिकारियों के जाल में फंस गया। राजकुमार ने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया। राजकुमार ने उन्हें पीछे हटने के लिए कहा। राजकुमार बाकी हिरणों को भगा देना चाहता था। राजकुमार को सिर्फ कौन सा हिरण चाहिए था? काला हिरण। इसलिए उसने सोचा कि बाकी हिरणों को मैं भगा देता हूँ। मगर ये क्या, काले हिरण को जाल में फंसा हुआ देखकर सभी हिरण भागते भागते रुक गए और एक गोला बनाकर काले हिरण के चारों तरफ खड़े हो गए। काले हिरण जो है उनका सरदार था, तो वो सारे रुक गए और उसके चारों तरफ खड़े हो गए। राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। वहाँ एकता का दृश्य उपस्थित हो गया। तो वहाँ पर सब एक साथ किसके? काले हिरण के चारों तरफ खड़े हो गए। ऐसा लगता था मानो सारे हिरण अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार थे। आत्मसमर्पण मतलब कि हम भी उनके अपने काले हिरण के साथ हम भी जाएंगे, जहाँ वो जाएगा तो हम भी उनके साथ जाएंगे। तभी हिरनी गहरे से बाहर निकली। काला हिरण कातर दृष्टि से अपने साथियों की ओर देख रहा था। काला हिरण सबको देख रहा था। हिरनी की आंखें आंसुओं से भीगी थी। वे धीरे धीरे हिरन के पास गई और अपने सींगों से उसे सहलाने लगी। राजकुमार थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके आगे आने पर हिरनी भाग खड़ी होगी। राजकुमार को लगा कि हिरनी भाग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे उसी तरह काले हिरन को सहलाती रही। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को पकड़ सकता था, किंतु वह इस समय सब कुछ भूल चुका था। उसे सामने का दृश्य सपने जैसा लग रहा था। एकाएक हिरनी ने बोला, छोड़ दो इसे। एकाएक राजकुमार ने क्या बोला, छोड़ दो इसे हिरण को। हिरनी की करुणा भरी मूक वाणी ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया। तो राजकुमार ने क्या किया? काले हिरण को छोड़ दिया। काले हिरण को राजकुमार ने छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में हिरणों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार और सभी शिकारी वापस लौट आए। राजकुमार और सभी शिकारी वापस चले गए। उनकी एकता देखकर राजकुमार ने हिरणों को छोड़ दिया था। रात को राजकुमार ने एक सपना देखा। सपने में वही काला हिरण उसके बाग में चरने आया था। राजकुमार की आंखें खुल गई। दिन निकलने ही वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बगीचे की ओर देखा तो सचमुच में काला हिरण अपनी हिरनी के साथ खड़ा हुआ था। राजकुमार तुरंत बगीचे में आया। हिरण हिरनी को प्यार से पुचकारा। थोड़ी देर उसके साथ खेलता रहा। राजकुमार इन दोनों के साथ खेलता रहा। फिर दोनों छलांग लगाकर जंगल की ओर चले गए। अब प्रतिदिन रोज ही क्या था, राजकुमार से मिलने हिरण और हिरनी दोनों आते थे और राजकुमार उनसे खेलता था और शाम को हिरण और हिरनी वापस चले जाते थे। जब ये राजकुमार राजा बना तो इसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसकी बुक एक्सरसाइज आज आपने करनी है। थैंक यू।